जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, या इस टॉपिक का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, हम इक्विलिब्रियम पे काम करने वाले हैं। आप कहेंगे इक्विलिब्रियम वो तो हमने किया हुआ है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर मैं डिफाइन करने को कहूँ व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है बिल्कुल सही, तो नेट फोर्स उस बॉडी पे क्या रहेगी, जीरो। इस ऑन लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी और इक्विलिब्रियम में रहेगी, दैट्स इट, खत्म। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक सीसॉ है, दो बच्चे बैठ गए, झूला है पार्क में लगा हुआ था, सीसॉ यहाँ वो पेज से लग रखे नीचे सेंटर ऑफ मास पे, एक इधर बैठा है एक इधर बैठ गया, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। अब क्या होता है, एक भारी बच्चा होता है एक हल्का होता है, हल्के वाला ना जान जान के ना बैलेंस, क्योंकि बैलेंसिंग हर कोई करता है, देख बैलेंस हो गया, ठीक है। ज्यादातर कोशिश या तो तेज तेज खेलते हैं या आराम से बैठ के गप्पे मारते हैं बैलेंस करके। अब जब बैलेंस करते हैं तो एक भारी बंदा बैठा है एक हल्का बैठा है, जो हल्के वाला है ना वो अपनी सीट को ना पीछे पीछे करता रहेगा, पीछे की तरफ पीछे और पीछे, और देखो कमाल की बात, हल्का और भारी बैलेंस भी हो जाता है ना, बताता हूँ क्यों, अभी मैथमेटिकली करते हैं, तो वो बैलेंस भी कर देगा और बैलेंस बन भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बनता है, और अगर वो बैलेंस बन गया मतलब ना तो इधर का टॉर्क ना इधर का टॉर्क, यानी कि ये स्टूडेंट मान लो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर जाए, इक्वल हो जाए, तो ना तो ये क्लॉकवाइज बॉडी घूमेगी ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बॉडी किसमें कहलाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये गेम वो नहीं है कि झूला ऊपर उड़ गया नीचे चला गया इधर ले गए इधर ले गए, ये है खड़ी खड़ी बॉडी घूमनी नहीं चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पहला एग्जांपल क्लियर है। दूसरा, सपोज करो आपके पास एक एक सीढ़ी है, ये रही सीढ़ी स्टेयर है, तो आपने वो सीढ़ी रखी और लकड़ी की सीढ़ी है और दीवार से टिका दी, टिक टिक जाती है, क्या प्रॉब्लम है, टिकी यहाँ लगा दो टिक जाएगी, क्यों, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हेल्प करती है टिकाने में, दीवार में भी है यहाँ भी है। चलो दीवार की फ्रिक्शन छोड़ दो, नहीं है ग्राउंड में तो कम से कम चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं होगी फिर तो पक्का सीढ़ी गिरेगी गिरेगी, पक्की बात है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सीढ़ी गिरेगी कैसे, मान लो ऐसे टिकी हुई है दीवार के साथ और मान लो स्लिप हो गई, स्लो मोशन में देखना कैसे स्लिप होगी, देख रहे हो, और सोचो अगर जमीन नहीं है, इमेजिन करो जमीन नहीं है, तो सोचो कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, एक्सिस क्या है, ये कॉर्नर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस नहीं है, क्योंकि सेंटर एक्सिस तब होता है किसी रॉड का जब कोई बॉडी दोनों एंड्स ऐसे घूमते हैं, तो सेंटर एक्सिस है, यहां पर एक एंड तो फिक्स है और दूसरा एंड मूव कर रहा है, तो इसका एक्सिस क्या माना जाएगा, ये एंड पॉइंट माना जाएगा, क्लियर है। चलो एक्सिस की तो बाद में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि अगर ये सीढ़ी नहीं गिरती तो ना ये नीचे गिर रही है ना ये ऊपर गिर रही है, ना ये लेफ्ट जा रही है ना ये राइट जा रही है, तो ये सबसे पहले बात किसमें, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। और उसी तरीके से अगर ये सीढ़ी टिकी हुई है और रोटेट नहीं कर रही तो कौन से इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि इसकी रोटेशन नहीं हो पा रही क्योंकि ये नीचे की तरफ रोटेट नहीं कर पा रही। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं, कोई डाउट इसमें,
की प्रॉब्लम बता रहा था, जो लैडर की प्रॉब्लम है वो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट सोचता है कि रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया, आप देखो ना बॉडी घूम घूम के दिखाएगी, और कमाल की बात है यहाँ हम घुमाने, हम कह रहे हैं घूमनी नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं कि वो बच्चे झूला ना ले लें, बस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। हम कह रहे हैं सीढ़ी गिर ना जाए, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, बस ये प्रॉब्लम है। तो आज के लेक्चर में हमने घुमाना ही नहीं है कुछ भी, आज के लेक्चर में टिका के रखना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट टॉर्क पूरे सिस्टम पे जीरो, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या करेंगे, कैंसिल। चलो करके दिखाता हूँ, जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लो आपके पास कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे बैठे हैं, ये दो बच्चे बैठे हैं, एक का वेट क्या है M2G, एक का वेट है M1G। ये सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट ये सीसॉ मूव करेगा, इसकी दूरी यहाँ से D1 है और इसकी दूरी यहाँ से D2 है, राइट, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ कि ये M2G टॉर्क जनरेट करेगा, कितना करेगा बोलो, फोर्स M2G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है D2, तो आंसर क्या आएगा M2G इंटू D2, और ये क्या आएगा M1G इंटू D1, जी से जी क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया M1D1 = M2D2। क्लियर यहां तक, ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब एक चीज देखो, अगर इनका मास भी बराबर होता, m और m कैंसिल, तो d1 किसके इक्वल होता d2, फिर वो बराबर दूरी पे बैठते, अगर m और m मास बराबर है तो दूरी भी बराबर है। लेकिन अगर मास छोटा बड़ा है तो m इंटू d का प्रोडक्ट इज अ कॉन्स्टेंट है ना, तो ऐसे होगा ना m इंटू d का प्रोडक्ट इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब जिसका मास ज्यादा है वो कम दूरी पे बैठेगा, पास बैठेगा, और जिसका मास कम है थोड़ा पीछे जाके बैठेगा। क्यों? ताकि टॉर्क ज्यादा लगा सके, क्योंकि जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा, जो मान लो M2G हल्का है, तो वो फोर्स तो ज्यादा लगा नहीं पाएगा, वो डिस्टेंस को बढ़ा लेगा ताकि टॉर्क उसका बढ़ जाए, और जो भारी है वो अपने वेट को तो कम कर नहीं पाएगा, वो क्या करेगा अपने डिस्टेंस को कम कर लेगा ताकि टॉर्क कम हो, तो बैलेंसिंग हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है इसमें, तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ये कुछ नहीं करना, ये हमने कर लिया। अब जैसे सपोज करो आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, कि मान लो आपके पास एक रॉड है, ठीक, ये रॉड है, इस रॉड को मैंने दो नाइफ्स के साथ, ये नाइफ्स हैं या कोई भी दो बॉडीज हैं, तीखी बॉडीज हैं, इनके ऊपर टिका लिया ऐसे, इसके ऊपर, और ऐसे टिका के रखा हुआ, मान लो ऐसे। अब क्या हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, मेरे पर डिपेंड करता है, ना ये ऊपर जा रही है, ना ये नीचे, ना ये लेफ्ट, ना ये राइट, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर मोशन नहीं है इसमें, पॉइंट नंबर वन। और दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है मैं यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा गया, यहाँ पर कम लगा गया, तो अब ये बॉडी घूम सकती है मुझसे, लेकिन वो कह रहे हैं घूम नहीं रही क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा करने के लिए मुझे फोर्सेस लगानी पड़ी यहाँ पे N1, यहाँ पर N2, तो बोलो ये N1 N2 आपने कितना लगाया ताकि सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉक। तो हम एक काम करेंगे, पहला काम फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे सिस्टम पे, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स एक्ट कर रही है N1, दूसरी एक्ट कर रही है N2, तीसरी रॉड का वेट, रॉड का वेट कहां पर होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे, कितना वेट है 4G, और एक और वेट एक्स्ट्रा टांग रखा है, कितना 6G, तो कुल मिला के कितनी फोर्सेस हैं, 1, 2, 3 और 4, कोई डाउट इसमें, 4 फोर्सेस हैं। ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, पर अगर ये घूमे तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, तो एक्सिस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ना ये बिल्कुल स्टेशनरी है, हिल भी नहीं रही, तो पहली चीज ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है ही है। ट्रांसलेशन का मतलब ना ये ऊपर जा रही है, ना ये नीचे आ रही है, ना लेफ्ट ना राइट, लेफ्ट राइट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हम फोर्स लेफ्ट राइट लगा ही नहीं रहे। ऊपर नीचे भी नहीं जा रही, तो अगर ऊपर नीचे नहीं जा रही तो ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज, तो ऊपर की फोर्सेज क्या है N1 + N2, और नीचे की फोर्सेज क्या है 4G + 6G। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम बनाया मैंने, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऊपर और नीचे की फोर्सेस बैलेंस, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ऊपर और नीचे की फोर्सेस बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है, अब
प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इसमें एन वन एन टू निकालना है, और अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाऊं तो एन वन एन टू दो वेरिएबल्स हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एन वन एन टू निकाल नहीं सकता, पर हमें एक इक्वेशन पता लगी ट्रांसलेशन से, तो दूसरी इक्वेशन कौन देगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलो रोटेशन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आंसर देना। मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कुल मिला के कितनी फोर्सेस दिखाई दे रही हैं? चार, एक दो तीन चार। तो एक एक करके शुरू करते हैं, बताओ 4G फोर्स ने कितना टॉर्क जनरेट किया? क्यों जीरो? क्योंकि वो एक्सिस पे ही काम कर रही है, तो एक्सिस से इस फोर्स की दूरी जीरो है, तो टॉर्क भी जीरो है, तो 4G का टॉर्क आ गया जीरो। 6G ने कितना टॉर्क जनरेट किया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है यहां तक? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी फोर्स N1, N1 ने कितना टॉर्क जनरेट किया? N1 इनटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने है? 25। नेक्स्ट N2 इनटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने है? 35। तो टॉर्क निकालना आ गया, चार फोर्सेस का चार टॉर्क आ गए। अब देखना यह है कि कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज। देखो 4G को तो देखना ही नहीं, वो तो टॉर्क ही जनरेट नहीं कर रहा। ये बताओ कि अगर मैंने N2 पे ज्यादा फोर्स लगा दी, इसको फिक्स कर लो, N2 पे फोर्स लगाई तो बॉडी कैसे घूमेगी? एंटी। तो N2 कौन सा टॉर्क जनरेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। N1 कैसा टॉर्क जनरेट करेगा? फोर्स लगाओ ऐसे ऊपर की तरफ, तो बॉडी कैसे घूमने की टेंडेंसी है उसकी? राइट क्लॉकवाइज। तो N1 क्लॉकवाइज, N2 एंटी क्लॉकवाइज। 6G कैसा टॉर्क जनरेट करेगा? 6G पे लटक जाओ, अब रॉड पे लटको, तो देखो रॉड ऐसे घूमेगी, रॉड ऐसे घूमेगी, आप ऐसे लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। राइट, तो N2 एंटी क्लॉकवाइज, 6G एंटी क्लॉकवाइज, N1 क्लॉकवाइज। राइट, तो एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक तरफ ऐड कर देते हैं, क्लॉकवाइज एक तरफ ऐड कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में आ गई? रोटेशनल। अब इस क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन आ गई, दो वेरिएबल्स हैं N1 एंड N2, तो N1 N2 से N1 N2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? कोई डाउट इसमें? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कॉन्सेप्ट होगा? एक तो ट्रांसलेशन का, वो तो होगा ही होगा इसमें, बॉडी इक्विलिब्रियम में, और दूसरा रोटेशन का। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये लैडर वाली प्रॉब्लम्स है। देखो लैडर वाली प्रॉब्लम करने का एक ही टेक्निक है, कोई बहुत बड़ी इसमें कुछ है नहीं करने वाला। सपोज करो आपके पास ये एक दीवार है और एक ये फ्लोर है, और मान लो एक मिनट के लिए ये एक लैडर है, ये लैडर है, ठीक है। तो सपोज ये लैडर यहां पर टिकी हुई है, और ऑब्वियसली अगर ये लैडर यहां पर टिकी हुई है तो यहां पर फ्रिक्शन तो पक्का होगी ही होगी, ठीक है। लैडर का जो वेट है वो कहां पर एक्ट करेगा? लैडर के सेंटर ऑफ मास पे। तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, और वेट मान लो गिवन है 20G, दे दिया मैंने 20 × g इसका वेट है, गिवन होगा। सपोज करो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी मैंने आपको दे दिया, मान लो ये डिस्टेंस भी मैंने आपको दे दिया, मान लो 1 मीटर है, कुछ भी 1 मीटर कुछ भी ले लिया। सपोज करो मैंने आपको ये डिस्टेंस भी दे दिया, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2√2 मीटर है, ये भी दे दिया। कौन कौन सी फोर्सेस इस लैडर पे एक्ट करेंगी? पहली फोर्स इसका वेट, वेट कहां पर एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे। दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर काम करेगी वो क्या है? फ्रिक्शन, क्योंकि लैडर का ये हिस्सा इधर स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? राइट साइड। तो फ्रिक्शन राइट एक्ट करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये भी। कोई डाउट इसमें? लैडर जमीन पे है तो जमीन ग्राउंड इसके ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन N1, नॉर्मल रिएक्शन। लैडर इस दीवार के साथ भी है तो वॉल इसके ऊपर क्या लगाएगी? N2, नॉर्मल रिएक्शन। तो कुल मिला के कितनी फोर्सेस हैं?
एक दो तीन और चार, चार फोर्सेस है। क्वेश्चन वही पुराना, फाइंड एन वन एंड एन टू सच दैट ये पूरी लैडर इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हो सकता है रोटेशनल की जगह वो ये बोल दे इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब लैडर तो टिकी हुई है, और अगर ये स्टेशनरी है तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो होगी होगी, यानी कि नीचे की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेज और लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स। चलो एक काम करते हैं, पहले ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर चलो बताओ राइट की फोर्स कौन सी है इसमें, सिर्फ एफ, और लेफ्ट की फोर्स क्या है एन टू। तो पहली इक्वेशन एन टू इज इक्वल टू फ्रिक्शन, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरी इक्वेशन ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, नीचे की फोर्स क्या है 20g, और कौन सी है एन वन तो ऊपर की है, तो 20g इज इक्वल टू एन वन। तो एन वन की वैल्यू तो एकदम आई गई कितनी 20, एक आंसर तो आई गया। दूसरी क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन से ही आ गया, अगर सारे आंसर ट्रांसलेशन से आ जाते फिर रोटेशन तक में जाता ही ना, पर एक अभी आंसर बाकी है, तो इसके लिए क्या करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखे जाते हैं, लेकिन लैडर वाली प्रॉब्लम में देखो कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाओगे आंसर आएगा। और लैडर को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है मेरे पास, जिसमें आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक सेकंड में आंसर आता है। पहला पॉइंट ये आइडेंटिफाई कर लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लेना है, ठीक। कोई कहेगा जी सेंटर ऑफ मास, नहीं सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे तो लैडर घूम ही नहीं रहे, होएगा तो कोना लैडर का, कौन सा कोना लें, नीचे वाला या ऊपर वाला, कोई भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लैडर में कुछ भी लगा लो आंसर सेम आता है, कोई भी ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर नीचे वाला करूंगा। रीजन अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि एन वन और एफ का टॉर्क जीरो हो गया, मेरे वेरिएबल्स कम हो जाएंगे इक्वेशन में, अच्छी बात है ना, आंसर सीधा जीरो हो गया, तो मैं अपना एक्सिस ये लूंगा जहां मैक्सिमम फोर्सेस हैं। तो अब मुझे पता है कि एफ का टॉर्क क्या रहेगा इसमें जीरो, एन वन का टॉर्क क्या रहेगा इसमें जीरो, बच क्या गया एक 20g का टॉर्क और एक n2 का टॉर्क। बोलो 20g का टॉर्क क्या होगा, 20g इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या है 1, तो 20g का टॉर्क क्या है 20g इनटू कितना 1, कोई डाउट इसमें। चलो यहां की बात करें, यहां पे n2 का बोलो टॉर्क कितना है, n2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना होता है एक्सिस से, तो एक काम करो इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर लो ऐसे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कर लो, एन टू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से क्या आएगा 2√2, तो 2√2, क्या पॉइंट क्लियर है, टॉर्क की वैल्यूज निकालनी आ गई। अब किस टॉर्क को किसके इक्वल करना है ये इंपॉर्टेंट है, लैडर वाली प्रॉब्लम में तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन क्लॉकवाइज ढूंढेगा कौन एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ना करो लैडर इमेजिन करो, ये जो लैडर है ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर रैप हो गई, ये क्या है बाउंड्री है या बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इस तरफ कितनी फोर्सेस हैं, दो दिख रही हैं मुझे एक n2 और एक n1, और इस लैडर के नीचे कितनी फोर्सेस हैं, इस एरिया में कितनी फोर्सेस हैं 20g और f, तो इनका टॉर्क जो जैसा भी होगा और इसका टॉर्क ऑपोजिट होगा हमेशा, तो इधर का टॉर्क जो भी कैलकुलेट करोगे वो इक्वल टू इधर का टॉर्क कर दो, आंसर एक मिनट में आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करता हूं। इस तरफ कौन सी फोर्स है n1 है, एन वन ने कोई टॉर्क तो लगाया नहीं, इस तरफ एक और फोर्स है एन टू, तो एन टू ने कितना टॉर्क लगाया, एन टू ने ये टॉर्क लगाया ये रहा, और इसके नीचे ये फोर्स है क्योंकि ये फोर्स तो जीरो टॉर्क लगाया, तो इसने कितना टॉर्क लगाया, इतना लगाया, तो लैडर के उधर और इधर जो भी फोर्सेज हैं वो टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट लगाती हैं, इक्वेट करके आंसर आ गया। नहीं तो फिर ऐसे कर लो, अगर मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तो कैसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तो कैसे घूमेगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, वो ज्यादा मुश्किल है, लैडर की प्रॉब्लम है इतना सोचना ही नहीं है, बस लैडर के एक बाउंड्री बनाओ, ऊपर की जो फोर्सेस हैं उसका टॉर्क इक्वल टू नीचे की उनका टॉर्क, इक्वेट कर दो, एक मिनट में आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है,
कि कैसे ये नई इक्वेशन आ गई, यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, एन टू आ गया, एन टू की वैल्यू आ गई। तो लैडर की प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना, ऊपर और नीचे की फोर्सेस एक एक मिनट में आंसर आएगा। मैं और दिखाता हूं करके, ये देखो लैडर की जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई प्रॉब्लम ले लो, जैसे ये एक लैडर, नेक्स्ट टाइम करना है वैसे हमने, ये एक लैडर है लेफ्ट, ये लैडर है, इस लैडर के इधर जो फोर्स है, जो इधर फोर्स है, इधर दो फोर्सेस हैं, इधर एक है, तो ये जो टॉर्क जनरेट करेगी वो इन टॉर्क के इक्वल होगा, खत्म। जैसे नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं कि कैसे इक्वेशन लगती है। जैसे ये लैडर है, इस लैडर के अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाना है तो इधर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एन वन और एन टू, और इधर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एन जी और फ्रिक्शन। तो एन जी और फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू क्या, एन वन और एन टू, और इक्वल कर दो आंसर आ जाएगा।